टेलर साहब थोड़ा सही से नाप लीजिएगा, मुझे ना बिल्कुल भी लूज नहीं चाहिए यहाँ से। अरे मैडम चिंता मत करो, मैं खुद ही लूज नहीं सीता हूँ, मुझे भी फिटो फिट सीने में काफी मजा आता है। ओके मैम, ठीक है, ऊपर का कमर देखिए, 27 है मैडम, ये भी टाइट रखो, हाँ मुझे यहाँ से भी टाइट चाहिए। टाइट काफी पसंद है बस शायद। बस बस ओके बस, हाँ 26.5 कर दिया। ओ सॉरी सॉरी, सॉरी दर्जी साहब, कोई बात नहीं, एक बार ना आप यहाँ कमर पे से ढंग से नाप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार कपड़ा मुझे यहीं से लूज रह जाता है। कोई बात नहीं मैडम। देख के थोड़ा संभल के, थोड़ा ओह सॉरी सॉरी मैम साहब, क्या सॉरी, तुझे ज्यादा जवानी चढ़ रही है क्या बुड्ढे? जहां भी सुंदर लड़की देखी नहीं कि लार टपकनी शुरू हो गई। अरे मैम साहब आपको ना शायद कोई गलत फहमी हुई, मैं तो खाली नाप ले रहा हूँ आपका। तू नाप ले रहा था या मुझे गंदे तरीके से टच कर रहा था तू? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये कैसी बात कर रही है, मैं इस एरिया का काफी रेप्यूटेड टेलर हूँ और मैं ऐसी हरकत करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ। रेप्यूटेड टेलर, तेरी रेपुटेशन तो बेटा देख मैं कैसे खराब करती हूँ। अरे मैडम मैडम ये क्या कह रही हो आप, मैं खाली नाप ही तो ले रहा हूँ आपका, आप ही का बैलेंस इधर उधर हो रहा है। मेरा बैलेंस इधर उधर हो रहा है, तू अपनी नजरें देख, तेरी नजरें कैसी हैं? तूने ये जो भी कुछ किया है ना मेरे साथ में, मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। पर मैंने किया क्या मैम साहब? ये देख, जो तूने मुझे पैर से छुआ, जो तूने मुझे कमर पे छुआ, जो तूने मुझे मेरे कंधे पे छुआ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है इस फोन में। अब देख क्या बोल रहा था, रेप्यूटेड टेलर, तेरी रेप्यूटेशन देख, तेरी रेप्यूटेशन की कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ मैं। अरे मैम साहब मुझे एक बात बताइए, आपने खुद मेरे इस पर पैर रखा, अगर मैं उसका नाप नहीं लूंगा बिना छुए तो नाप लिया नहीं जा सकता ना, मैं आपके बाजू को अगर टच करूंगा तभी तो नाप लूंगा ना, आपके शोल्डर को जब टच करूंगा फीते से तभी तो नाप लूंगा ना मैडम, इसमें इसमें गलत बात ही क्या है? तू नाप ले रहा था, तू मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं तुझे नहीं रोकती तो तू मेरे साथ तो ना जाने क्या कुछ कर देता। अरे शुभ 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 शुभ, देखिए मैडम आप मेरे ख्याल से है ना कुछ और ही ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे ना आपके आप अपने कपड़े ले जाइए, मुझे नहीं सिलने हैं आपके कपड़े। कपड़े तो मेरे तू ही सिलेगा और वो भी फ्री में। प्रीमियर? हाँ फ्री में, और तुझे सिलने पड़ेंगे, उसके अलावा तुझे मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। क्या मतलब है आपका? अगर तू अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वाना चाह रहा, जितने पैसे मैं मांगती हूँ आराम से मुझे दे दे। अरे मैडम मैडम आपका दिमाग तो खराब ना हो गया, आप कैसी बातें कह रही हो? दिमाग दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, दिमाग तो मेरा अब सही हुआ है। और अब देख तू मुझे पैसे देगा ना, तभी तेरी इज्जत बच पाएगी, वरना तुझे बदनाम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना तेरे परिवार वाले, ना ही तेरी ये दर्जी की दुकान। अरे मैडम ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ, मैं एक गरीब टेलर हूँ, देखो मैडम बेशक मुझे पीठ पे मारो लेकिन मैडम इस गरीब के पेट पे मत मारो, देखो मैडम मेरी बहुत इज्जत है यहाँ पे, आप अगर ऐसे गलत छलत लांछन मुझ पर लगाएंगे तो इससे मेरी रोजी रोटी पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, देखिए मैडम मुझे ना आप माफी कर दो, आप चले जाइए मेरी दुकान से प्लीज। माफी तो ठीक है, मैं तेरी वीडियो वायरल कर देती हूँ, फिर तेरी माफी तो होती रहेगी। अरे मैडम देखो मैडम आपको ना मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ, आप ना मुझे माफ कर दो लेकिन प्लीज यहाँ से चले जाओ। सुन तुझे बदनामी से बचना है ना, बचना है ना, तू चाहता है मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ? जी हाँ तो मुझे अभी के अभी 10 लाख दे दे और वीडियो डिलीट करवा दे। अरे अरे बाप मैडम, 10 लाख तो आज तक मैंने एक साथ कभी देखे नहीं, और आप 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। वैसे भी तू एक बहुत इज्जत वाला टेलर है, तो तेरे पास इतनी तो रकम होगी, तू तो वैसे भी बड़े बड़े तू ऑर्डर लेता है ना सिलाई के। पर मैडम
आपको नहीं लग रहा है कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि गैर कानूनी है। देख मैं तुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, अगर तू मुझे 10 लाख दे देगा तो तेरी भी बात यही कहीं तभी रह जाएगी, ना तेरी इज्जत खराब होगी ना तेरी बदनामी होगी। और हाँ तू मेरे कपड़े फ्री में सिलेगा, 10 लोगों को मैं और लाऊंगी, बोलूंगी ये टेलर बहुत अच्छा काम करता है। तुझे 10 लाख मुझे देने में अगर दिक्कत हो रही है ना तो जो तेरे आस पड़ोस में ये टेलर है ना 4-5 उनसे जाके पूछ कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ था। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो लोग आज रोड पे आ चुके हैं। अगर तू चाहता है कि तू रोड पे ना आए तो मुझे आराम से 10 लाख रुपए दे दे और इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। अभी के अभी तेरी आंखों के सामने मैं तेरी वीडियो भी डिलीट कर दूंगी। दिखाना मैडम जरा वीडियो, यार बड़ी एक्सपर्ट लगती हो आप। अरे रुको मैडम, बड़ी एक्सपर्ट लगती हो आप वीडियो बनाने में। ये ऐसी वीडियो कितने कितनों की बनाई, जो मेरे आड़ोस पड़ोस वाले टेलर है उन सबकी आप ही ने बनाई ना। तू 2 कौड़ी के टेलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन अपने हाथ में लेने की? अरे अभी तो तेरा फोन ही हाथ में लिया, थोड़ी देर में देखना तुझे किसके हाथ में मैं खुद देता हूँ। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया का SHO हूँ, SHO राजू एस ताइडे। अच्छे से अच्छा ठग है ना, मेरे सिर्फ नाम से डरता है, पैंट में सूसू कर देता है। तू तो एक मामूली लड़की है, अब देख तेरे साथ मेरे लेडी कांस्टेबल क्या हाल करते तेरा। और तूने तो खाली मेरी ये एक वीडियो बनाई, तुझे मालूम है तू हर CCTV कैमरे में कैप्चर हुई है, क्योंकि इस पूरे एरिया में मैंने खुद ही CCTV लॉन्च किए हुए हैं और तू हर एक CCTV में है ना पूरी तरीके से कैप्चर हो चुकी है। अब है ना मैडम, ज़्यादा चू चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में चलो, वहाँ पे मीना भाई है ना मेरी हेड कांस्टेबल, वो तुम्हारी चमड़ी को है ना बहुत अच्छी तरीके से इसमें मसाला भर के उधेड़ देगी। तो ठीक है चले। नहीं नहीं सर, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आज पहली बार ही ऐसा कर रही थी और सर उसमें भी आपने रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी सर, प्लीज़। माफ़ी वीफी कुछ नहीं मिलेगी मैम साहब, तुम तो 5-5 टेलरों को रोड पर ला चुकी हो ना, अब तुम्हारी बारी है रोड से डायरेक्ट लॉकअप में सेटअप होने की। इसलिए ना माफ़ी यहाँ पे नहीं, माफ़ी वहाँ पे चलकर मेरे मीना भाई हेड कांस्टेबल से मांगना, ठीक है सर प्लीज़। चलो।